किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सरसों की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाओं और अधिक से अधिक फलियों का निर्माण किस प्रकार से होता है, वो कौन से ऐसे काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिससे हमारी सरसों की फसल में अधिक से अधिक शाखाएं और फलियां हों। ज़्यादा फलियां होंगी तो दाने भी ज़्यादा होंगे, दाने ज़्यादा होंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इनको मेरे हिसाब से फॉलो करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही काम की साबित होंगी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। किसान भाइयों, सरसों की फसल में अधिक से अधिक शाखाएँ और अधिक से अधिक फलियाँ के निर्माण के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब सरसों के बीज की बुआई करते हैं तो अगर आपने अधिक मात्रा में सरसों के बीज खेत में डाले हैं तो उसमें शाखाओं का विकास कम होगा, क्योंकि निश्चित दूरी पर पौधे नहीं होंगे जिसमें पौधे की विकास वाली क्रिया सही से नहीं हो पाएगी और पैदावार भी कम निकलेगी। दूसरा, इसमें पानी का भी बहुत महत्व होता है। जैसे आपने पहला पानी 30 से 35 दिन बाद लगाया, उसके बाद जब आप दूसरा पानी लगा रहे हों तो लगभग 60 से 70% तक फूल आ जाने चाहिए, क्योंकि वह टाइम पानी लगाने का उचित समय होता है। जब 60 से 70% तक फूल निकल जाते हैं तो उस टाइम में सरसों में शाखाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उस टाइम पर अगर हम पानी लगाते हैं तो शाखाओं का विकास अच्छे से होता है। दोस्तों, अगर हम सरसों में ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो फिर इसमें सरसों का ही पौधा विकास करता है, शाखाओं का विकास नहीं होता है। दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना है कि फसल में हद से ज़्यादा पानी नहीं लगाना है। एक बात और है दोस्तों, सरसों में फूल आ जाते हैं, इस टाइम पर फूलों में कीट भी लगना शुरू हो जाते हैं। कीड़े फूलों को खा जाते हैं जिससे शाखाओं का निर्माण नहीं हो पाता है। इसकी रोकथाम के लिए आप तुरंत ही कीटनाशक का प्रयोग करें ताकि शाखाओं की जो ग्रोथ हो रही है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है, उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने शुरुआत में NPK मतलब नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, जिंक, इनमें से किसी भी तत्व को आपने नहीं डाला है तो जो आप पहला पानी अपनी फसल को देते हैं उस टाइम पे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे सरसों की फसल में कोई दिक्कत ना हो और एक अच्छा उत्पादन सरसों की फसल से निकल सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।